हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मकर राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए 2022। अगर आप स्टूडेंट्स हैं आपके लिए कैसा रहेगा, पढ़ाई को लेके कितना आप सक्सेसफुल होगे 2022 में। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो क्या लव मैरिज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मकर राशि वालों के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आप शनि आपकी अपनी राशि यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे और उनके साथ बुध ग्रह भी लग्न में विराजमान होंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्येश और लग्नेश की युति लाभ करवाएगी, आपको करियर में बहुत लाभ होगा। करियर वाइज पहले मैं आपको बता देती हूँ मकर राशि वालों को, करियर में आपको स्टार्टिंग में बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि शनि और बुध आपके लग्न में बैठे होंगे, शनि अपनी राशि मकर राशि में बैठे होंगे, तो जिससे कि आपको करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी। जनवरी में ही आपकी प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपके इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। जनवरी में आपको अगर जॉब चेंज करनी है तो आपको ऑफ़र आने स्टार्ट हो जाएंगे और बेटर जॉब के ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जनवरी से ही आपको करियर में बहुत ग्रोथ मिलने के योग बन रहे हैं, सिचुएशन आपके फेवर में होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका राहु पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जो कि थोड़ी सी मानसिक समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करियर वाइज साल का शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, लाभ कराएंगे आपको, आर्थिक लाभ भी कराएंगे। अगर आप आईटी सेक्टर्स वगैरह से जुड़े हो तो आपको फॉरेन जाने के भी चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हो, मेडिकल लाइन वालों का भी विदेश यात्रा का योग बन रहा है 2022 में मकर राशि वालों का। अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो टीचिंग लाइन वालों के लिए मार्च के बाद का टाइम, अप्रैल से बहुत अच्छा आएगा, मकर राशि वालों का सक्सेस मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए करियर वाइज मकर राशि वालों को 2022 में ग्रोथ मिलेगी। थोड़ा शनि की अगर 7.5 से परेशान है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी अप्रैल के बाद, ठीक है। तो 2022 करियर वाइज अच्छा रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि लाभ करवाएंगे आपको और आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, सारी सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो जॉब चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। साल की शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, क्योंकि आपके मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा गुस्सा आएगा आपको, इसीलिए गुस्से पे कंट्रोल रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, परिवार के सदस्यों की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निभानी है। ऐसा नहीं है कि काम में बिज़ी रह हो गए और घर वालों का ध्यान नहीं रखा, ये भी नहीं करना, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, क्योंकि राहु भी पंचम भाव में बैठे हैं तो मानसिक तनाव दे सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, अगर वो उपाय आप करते रहेंगे रेगुलर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मकर राशि वालों को, साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, अच्छे फल प्राप्त होंगे, करियर में ग्रोथ मिलेगी तो पैसे भी आएंगे, खर्चे भी होंगे, खर्चों पर थोड़े नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ेगी और नए इनकम के सोर्सेज बनेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब में भी सफलता मिलेगी, थोड़ा सा खर्चे भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी दिख रही है प्रॉपर्टी में और आप वाहन में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आप मकर राशि वाले, तो पैसे खर्च भी होंगे लेकिन आएंगे भी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, इनकम के सोर्सेज बनेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो वो कोई इतनी बड़ी नहीं होगी, खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल ठीक रहेगा फाइनेंशियली आपके लिए 2022। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो फॉरेन जाके पढ़ने के लिए दिसंबर, अगस्त से लेके दिसंबर का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, तब आप ट्राई कर सकते हो। गलत संगत में नहीं पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि गलत संगत में पढ़ के आप अपना करियर ख़राब करोगे, अपना फ्यूचर ख़राब करोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। और हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है अगस्त के बाद का,
स्टार्टिंग में भी, या तो जनवरी फरवरी में आपका हो सकता है अच्छा, बहुत फॉरेन अगर जाना चाहते हो या अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर अगस्त के बाद बहुत अच्छा टाइम है आपका, दिसंबर तक 2022 में आपको हायर स्टडीज़ के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उनको ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को जाने नहीं देना, ठीक है। अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा मकर राशि वालों के लिए 2022, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पुराने रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, अच्छे योग बन रहे हैं, थोड़े सी पंचम भाव में राहु की वजह से थोड़ी सी आपको मानसिक समस्याएं हो सकती है, इसीलिए उसका ध्यान रखें। थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस देते हैं, तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली नहीं दिख रही है, इसलिए जितना हो सके आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोगे, क्योंकि राहु जब पंचम भाव में होते हैं तो वो स्ट्रेस देते हैं, तो आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, मंत्र जाप करना है, ये सब चीज़ें करोगे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल 2022 अच्छा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पैसों के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, आएंगे तो खर्च भी होंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पूरे योग बन रहे हैं, मकान खरीदने के योग बन रहे हैं, वाहन लेने के योग बन रहे हैं, तो पैसे खर्च भी होंगे। उपाय मैं बता देती हूँ, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है इसलिए शनिदेव को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। साढ़े साथी का भी प्रभाव है आपकी राशि पे, पीपल के पेड़ पे आपने हर सैटरडे को दिया ज़रूर जला के आना है, या तो शनि मंदिर में जला के आ जाओ सरसों के तेल का दिया, और शाम को ही जलाना है सूर्यास्त के बाद में हर सैटरडे को, बहुत अच्छा होगा। साढ़े साथी से भी आराम मिलेगा, करियर में ग्रोथ मिलेगी, हेल्थ ठीक रहेगी, शनिदेव खुश रहेंगे तो उम्र भी लंबी देंगे वो आपको। और हर सैटरडे को और ट्यूज़डे को हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अगर पॉसिबल हो तो हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करो। उससे क्या होगा, आपके पैसे कहीं डूबेंगे नहीं, अगर आप प्रॉपर्टी में भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके सही जगह इन्वेस्ट होंगे, कहीं पैसे डूबेंगे नहीं आपके, तो ये चीज़ें करोगे मकर राशि वालों के लिए 2022 बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को खुश रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, दिया ज़रूर जला के आना है सरसों के तेल का हर सैटरडे को सूर्यास्त के बाद, पीपल के पेड़ के नीचे जला दो और एक दिया शनि मंदिर में जला के आ जाओ, देखना आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी ओवरऑल, और आपको भगवान जो शनिदेव है वो लंबी आयु भी प्रदान करेंगे, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।